AUS वर्सेस INDWTC फाइनल टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 टेस्ट मैच जो कि खेला जाएगा। और गाइज, ये वाली जो सीरीज है ये कोई अपने आप में सीरीज नहीं है गाइज, ये अपने आप में एक टेस्ट मैच है जो कि फाइनल है। मतलब एक ही मैच गाइज जिसमें खेला जाएगा, और जो भी टीम ये वाला मैच जीतेगी गाइज वो है ना ICC की एक शानदार ट्रॉफी विन करने वाली है, जो कि है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी। अब ये वाला मैच गाइज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेला जाएगा, क्योंकि दोनों ही टीमें गाइज अपने टेस्ट मैचेस काफी विन करके टॉप टू में जगह बनाई है। इस वजह से अब इन दोनों टीमों के बीच फाइनल होगा, और जो भी टीम मैच विन करेगी वो सीधा सीधा इस WTC टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी विन कर जाएगी। तो इस डू एंड डाई सिचुएशन वाले मैच में, इस हाई वोल्टेज प्रेशर वाले मैच में कौन कौन से प्लेयर है जो परफॉर्मेंस देंगे, मतलब क्या प्लेइंग 11 आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया की रहेगी, क्या प्लेइंग 11 आज के मैच में इंडिया की रहने वाली है, कौन कौन से प्लेयर है जो आज के मैच में आपको सबसे ज्यादा पॉइंट देंगे, क्योंकि गाइस इस वाले मैच की जो टीम बनेगी ना वो फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, आपको ये सोच के नहीं बनानी कि भाई ये T20 है या ODI है। यहाँ की जो टीम बनेगी वो बहुत डिफरेंट तरीके से बनेगी, और इसमें उन प्लेयर्स को अपन टीम में शामिल करेंगे जो काफी ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग है और जो एक बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। तो क्या इस वाले मैच में रोहित शर्मा के बल्ले से रन बनते हुए दिखेंगे, क्या विराट कोहली का बल्ला गरजेगा, क्या शुभमन गिल अपनी वही IPL वाली फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे, या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्या डेविड वार्नर का बल्ला चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। साथ में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों के बॉलर्स को सिलेक्शन को लेके, कि भाई कौन से बॉलर को पिक करें, क्या इस वाले पिच पे स्पिनर्स को मदद रहेगी, या फिर हमेशा की तरह फॉरेन जो पिचेस होते हैं वहां पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगी। ये सारी चीजें गाइज आपको A to Z में क्लियर करके दूंगा। तो गाइज आप सभी भाइयों का शोर एक्सपर्ट सपोर्ट परिवार में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए या फिर आप पहले भी आ चुके हैं, बट अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस कर देना, साथ में इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे, और साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक एक लाइक भाई को दिल से मोटिवेट करेगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गाइज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैच खेला जाएगा AUS वर्सेज INDWTC ICC फाइनल टेस्ट मैच, और ये मैच खेला जाएगा गाइज लंदन में, मतलब फॉरेन के ग्राउंड पे, और ग्राउंड का नाम है गाइज किंगस्टन ओवल। तो यहाँ पे भाई किस तरीके का पिच रिपोर्ट रहता है, इस सब भाई एक गलती कर रहे हैं, वो क्या गलती है मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों के लिए गाइज इस वाले वीडियो में फ्री गिव अवे भी रहेगा, मतलब जो भी भाई इस वीडियो को पूरा देखेगा लास्ट तक और वीडियो पे लाइक और कमेंट करेगा वो गिव अवे के विनर होंगे, तो मिस मत करना। और गाइज एक काम जरूर कर लेना, मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई शोर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे गाइज मैं हर मैच की टीम देता हूँ, मतलब जो मैच में YouTube पे कवर नहीं करता वो वाले मैच में यहाँ पे कवर करता हूँ। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में सबसे टॉप पे पिन किया हुआ आपको लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको मेरे टेलीग्राम चैनल शोर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल पे आ जाना है। वहां पे आपको हर मैच का बिल्कुल फ्री अपडेट मिल जाएगा, और अभी तक भाई जितने मैचेस दे रहा हूँ ना लगभग 70% मैचेस में अच्छी खासी विनिंग हो रही है। तो जरूर से टेलीग्राम चैनल शोर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल आपको ज्वाइन कर लेना है। अब यहां का गाइज मैं आपको थोड़ा सा स्टैट्स बताता हूं कि किस तरीके से यहां पे स्कोर बनता है। देखिए गाइज सबसे पहले मैं टेस्ट स्टैट्स की बात करूं, क्योंकि देखिए टेस्ट मैचेस हो रहे हैं तो टेस्ट मैच की ही बात करेंगे। तो यहां पे गाइज टोटल 105 मैचेस खेले जा चुके हैं इस ग्राउंड पर, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 38, बॉलिंग फर्स्ट ने यहाँ पे 29, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे 343 का है, एवरेज सेकंड स्कोर यहाँ पे 304 का है। तो आपको गाइज एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीतेगी ना पहले बैटिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि फोर्थ इनिंग में कोई भी बैटिंग करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि 150 से ज्यादा स्कोर वहां पे बनता नहीं है, और हर टीम ये चाहेगी कि फर्स्ट इनिंग में 350 प्लस का स्कोर बना के उसको डिफेंड किया जाए और उससे इजीली विन किया जाए, क्योंकि मैच में प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना पसंद करेगी।
दोनों टीमों की अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो आईएनडी वर्सेस एयूएस के बीच लगभग 106 मैच खेले गए, जिसमें इंडिया ने 32, ऑस्ट्रेलिया ने 44, ड्रॉ हुए 29 और एक हुआ है टाई। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा। और एक चीज आपको और बता दूं भाई, यहाँ पे है ना फास्ट बॉलर्स अच्छे खासे विकेट निकाल के देते हैं, क्योंकि इस वाले पिच पे भाई बहुत अच्छा बाउंस है। तो फास्ट बॉलर्स का रोल आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहेगा, जितने भी पेसर है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट स्पिनर का रोल भी गाइस इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्यों बनेगा वो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, बट फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव रहने वाले हैं। इसके अलावा गाइस इस वाले ग्राउंड पर जो रिसेंटली मैचेस खेले गए ना उसमें क्या स्कोर बना है, आप देखिए इसमें हर तरीके का स्कोर है, ओडीआई भी है, टी20 भी है, बट जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, बाकी अभी मैं आगे रिकॉर्ड्स बताऊंगा उससे तो आप पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन से प्लेयर को आपको रखना है। बट वीडियो पे अभी भी लाइक नहीं किया है तो कर देना भाई, क्योंकि अगर आप इंडिया को चाहते हो डब्ल्यूटीसी फाइनल की ट्रॉफी उठाते हुए तो इस वीडियो को लाइक करना भाई, ताकि मुझे भी पता लगे कितना लोग ये चाहते हैं। 1 जुलाई 2021 को भाई ये मैच था श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच। श्रीलंका ने 241 बनाए, इंग्लैंड ने 244 बनाए थे इसी ग्राउंड पर। इंग्लैंड ने वो वाला मैच 8 विकेट से विन कर लिया था। इसके अलावा यहाँ पे फिर मैच हुआ 12 जुलाई 2022 को, इंग्लैंड ने 110 बनाए, इंडिया 114 रन बना दिया बिना विकेट खोए। और इस वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 334 बनाए और श्रीलंका 247 रन पे ऑल आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे विकेट तो काफी गिरते हैं और रन भी अच्छे खासे बनते हैं, तो मेरे हिसाब से एक बड़ा स्कोर बनेगा, पर ज्यादा बड़ा नहीं, बट पेसर्स को मदद रहेगी ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और गाइज ये विजन 11 ऐप है, अभी तक आप लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर लेना। इसी वीडियो के भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा विजन 11 ऐप का, उस पर क्लिक करके आपको ऐप को डाउनलोड करना है। और यहाँ पे भाई एक सिंगल क्लिक पे आप 200 प्लस कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे जाके। इसके अलावा भाई आज के मैच में यहाँ पे फ्री गिव अवे भी है, अगर आप बिल्कुल फ्री में खेलकर आज के मैच में रियल कैश विन करना चाहते हैं तो विजन 11 ऐप भाई आपको ये मौका दे रही है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक आपको दिखेगा, जाइए इस ऐप को डाउनलोड करिए और इस ऐप पे खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, सीरियसली गाइस कंपटीशन भी बहुत कम है और इजीली विनिंग आप यहां पे जरूर कर सकते हैं। तो जरूर से विजन 11 ऐप पे खेलना स्टार्ट कर दीजिए। अब गाइस क्या प्लेइंग 11 आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया की रहेगी, क्या प्लेइंग 11 आज के मैच में इंडिया की रहेगी और किस तरीके से भाई टेस्ट मैच की फैंटेसी की टीम बनती है, सारी चीजें गाइस आपको क्लियर करके दूंगा। तो वीडियो पे अभी भी लाइक नहीं किया है कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई नीचे काला कलर का बटन है उसको दबा देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो आईएनडी वर्सेस एयूएस की इस मैच की प्लेइंग 11 देखते हैं भाई। तो डेविड वार्नर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के, जो कि ओपनिंग करेंगे उस्मान ख्वाजा के साथ, शानदार प्लेयर है दोनों ही। इसके बाद मार्नस लबसचेन जाएंगे जो कि नंबर 3 पोजीशन पे आएंगे, फिर स्टीवन स्मिथ आने वाले हैं, ट्रेविस हेड के हाई चांस है आज के मैच में मुझे लगता है खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद कैमरॉन ग्रीन या मिशेल मार्श भी देखिए गाइस हो सकता है खेले, बट कैमरॉन ग्रीन जिस तरीके से आईपीएल में फॉर्म में था मुझे लगता है ग्रीन के चांस ज्यादा हाई है खेलने के। इसके बाद एलेक्स कैरी, इसके अलावा माइकल नीसर या स्कॉट बॉलैंड में से भाई कोई एक खेलेगा, क्योंकि जॉर्ज हेजलवुड को सुनने में आ रहा है इंजरी है तो शायद वो ना खेले, तो नीसर या स्कॉट बॉलैंड की में से कोई एक आ सकता है। इसके अलावा पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और नॉथन लियोन। तो ये ऑस्ट्रेलिया की प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 है। अब इसमें कुछ भी चेंज होगा, कुछ भी अपडेट आएगा, वो सब आपको टेलीग्राम पे मिले जाएगा, वहां पे आप एक्टिव रहना। इंडिया की तरफ से देखिए इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा के साथ आएंगे शुभमन गिल, जो कि एक शानदार फॉर्म में लग रहे हैं और मुझे लग रहा है ये फॉर्म की जरूरत इस वाले मैच में इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अच्छा करेंगे, ओपनिंग पे आएंगे। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रहाने मुझे लग रहा है मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, बट एक चांस और है, टीम अक्षर पटेल को भी खिला सकती है। अगर टीम चाहेगी एक एक्स्ट्रा बॉलर और साथ में एक बैट्समैन तो मुझे लग रहा है अक्षर पटेल के भी चांस है खेले, नहीं तो रहाने तो है। इसके अलावा केएस भरत या ईशान किशन में से कोई एक विकेट कीपिंग करेगा, मुझे चांस थोड़े ईशान किशन के ज्यादा लग रहे हैं विकेट कीपर में। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन दोनों इंडिया के मेन स्पिनर है, उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर में से भाई कोई एक खेलने वाला है आज के मैच में, या तो उमेश यादव या फिर शार्दुल ठाकुर, यहाँ पे मोहम्मद शमी और यहाँ पे मोहम्मद सिराज। तो ये एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है भाई जो आज के मैच में रहने वाली है, अगर इसमें कोई भी चेंज होगा आपको सारा अपडेट टेलीग्राम पे मिलेगा, वहां पे आप एक्टिव करके रहना।
अब गाइस सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन से शुरुआत करता हूँ। विकेट कीपर सेक्शन में अपन को यहाँ पे किसको पिक करना है आज के मैच में, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गाइस आपको एलेक्स कैरी दिखेंगे, और इंडिया के अगेंस्ट आपको बता दूं एलेक्स कैरी का रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं। 6 मैच खेले भाई इंडिया के अगेंस्ट, केवल 56 रन बनाए। टेस्ट मैचेस में एवरेज केवल 31 का ही है। लास्ट 3 टेस्ट मैचों में आप फॉर्म देखोगे तो 0-3-7, कहीं ना कहीं फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है एलेक्स कैरी की, उतना बढ़िया पिक नहीं है। पर फिर भी मैं आपको बोलूंगा ज्यादातर लोग एलेक्स कैरी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी कंफर्मेशन नहीं है कि भाई भरत आएगा या ईशान किशन आएगा। बाकी फॉर्म की बात करूं तो ईशान किशन का लिस्ट में 38 का एवरेज है, और शिखर भरत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है टेस्ट मैचेस में। लास्ट 3 मैचों में 44-20-29 और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एवरेज 20 का है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों ही देखोगे ना तो दोनों ही लगभग एवरेज प्लेयर लग रहे हैं विकेट कीपर सेक्शन में। अब अपन इनमें से किसको पिक करेंगे मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी कैरी भी एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है, अच्छा खेल सकता है भाई मिडिल ऑर्डर में आकर, क्योंकि देखिए बड़ा मैच है, कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर पे जाएगा ही जाएगा, तो वहां पे कैरी भी अच्छा कर सकता है। बाकी भरत और ईशान किशन में से कौन आएगा, मुझे ईशान किशन के चांस ज्यादा लग रहा है। बाकी इनमें से मैंने अभी अपनी फाइनल टीम में किसको रखा है अभी आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पे मैं बात करूँ भाई AUS मतलब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग सेक्शन की, कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसको पिक करें, तो पहला नाम है भाई मार्नस लेबस्टेन। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है भाई टेस्ट मैचेस का, और खास तौर से जब ये अपने फॉरेन मैदानों में खेलता है ना काफी अच्छा करता है। टेस्ट मैचेस में एवरेज इसका 57 का है, इंडिया के अगेंस्ट भी एवरेज बहुत अच्छा है 47, 17 मैच 708 रन। स्टीवन स्मिथ की बात करूँ भाई क्लास प्लेयर है, क्लास शानदार टेस्ट मैचेस का प्लेयर है, और आप देखिए इंडिया के अगेंस्ट एवरेज लगभग 65 का है, टेस्ट मैचेस में 60 का एवरेज है, शानदार फॉर्म वाले प्लेयर है भाई ये दोनों, मार्नस लेबस्टेन और स्टीवन स्मिथ। अगर ऑस्ट्रेलिया ये वाला मैच विन करता है तो कहीं ना कहीं इन दोनों को परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। उस्मान ख्वाजा का एवरेज इंडिया के अगेंस्ट उतना बेटर नहीं है, 15 मैच 531 रन 38 का एवरेज, टेस्ट मैचेस में 48 का, पर रिसेंटली टेस्ट मैचेस की फॉर्म इसकी भी बहुत जबरदस्त है 180-60 और 87। इसके अलावा यहाँ पे डेविड वार्नर है, इंडिया के अगेंस्ट एवरेज 32 का है, इस वेन्यू पर 2 मैच खेले 64 रन। और ट्रेविस हेड की बात करूं ये भी गई शानदार प्लेयर है, इंडिया के अगेंस्ट एवरेज 36 का है, टेस्ट मैचेस में 45 का, और लास्ट 2 मैचों में 122 और 58। तो गई जब आप टेस्ट मैचेस के प्लेयर्स का डेटा देखोगे ना आपको खुद के दर्द हो जाएगा कि भाई किसको पिक करें, क्योंकि सबके रिकॉर्ड आपको अच्छे ही दिखेंगे। अब इसमें से मैंने अपनी फाइनल टीम में किसको रखा है आपको बता दूंगा, बट मेरे हिसाब से जो 2 बेटर पिक लग रहे हैं जो मुझे, वो लग रहा है एक तो मार्नस लेबस्टेन और स्टीवन स्मिथ, दोनों काफी अच्छे प्लेयर है। बाकी आप एक और प्लेयर लेना चाहते हो तो यहाँ पे वार्नर, हेड और उस्मान ख्वाजा में से किसी एक को पिक करना पड़ेगा। अब मैं किसको और कैसे पिक करूंगा वो अभी मैं आपको आगे फाइनल टीम दिखाऊंगा जब बताऊंगा। यहाँ पे बात करूँ भाई INT की बैटिंग सेक्शन की, इंडिया के बैटिंग सेक्शन की, यहाँ पे सबसे पहला नाम है इंडिया के रन मशीन विराट कोहली का। भाई एवरेज देखिए आप 48 का है, सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बट इस वेन्यू पर रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं यहाँ पे विराट कोहली का, 2 ही मैच खेले केवल 27 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा की बात करूं टेस्ट मैचेस में 44 का एवरेज है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 51 का एवरेज है। रोहित शर्मा की फॉर्म गाइज उतनी बेटर अभी चल नहीं रही, अगर आप IPL में भी देखोगे कहीं ना कहीं फॉर्म के साथ स्ट्रगल था। और एक चीज और बताऊं इस पिच में भाई स्टार्टिंग ओवर्स में पेसर्स को बहुत ज्यादा स्विंग में मिलेगा और बाउंस में मिलेगा, तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा हो सकता है जल्दी भी आउट हो जाए, कहीं ना कहीं उनके जो फास्ट बॉलर है वो विकेट निकाल के दे सकते हैं। इसके अलावा शुभमन गिल गाइज शानदार प्लेयर है और शानदार टच में लग रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एवरेज 52 का है, बट इसका एवरेज है ना थोड़ा सा टेस्ट मैचेस में उतना अच्छा नहीं है, टेस्ट मैचेस में केवल 34 का एवरेज है। और रहाने आप मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप तो या तो एक प्लेयर ले जाओ या फिर 2 प्लेयर ले सकते हो। अब 2 प्लेयर कौन बेस्ट लग रहा है, विराट कोहली और शुभमन गिल, जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है आज के मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप पुजारा, रोहित शर्मा के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि पुजारा तो आप लोगों को पता ही है टेस्ट ही खेलता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी इनिंग खेल सकता है, तो पुजारा को भी आप डेफिनेटली अपनी टीम में लेके जा सकते हो। यहाँ पे गाइस मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑलराउंडर सेक्शन में किसको पिक करें AUS की तरफ से, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भाई यहाँ पे 3 नाम है। पहला नाम है कैमरॉन ग्रीन, जो कि IPL में बहुत अच्छी बैटिंग करा था, बहुत अच्छी फॉर्म में भी था मुंबई की तरफ से, और इंडिया के अगेंस्ट देखिए 9 मैच 371 रन 41 का एवरेज। तो भाई एक ही है ना, ये प्लेयर ऐसा है जो एक अच्छी और फास्ट इनिंग खेल सकता है तेज स्ट्राइक रेट के साथ,
और साथ में बॉलिंग तो करेगा ही करेगा, और इस पिच पे वैसे ही पेसर्स को मदद है, तो कहीं ना कहीं ग्रीन आपके लिए एक बेस्ट पिक रहेगा, डेफिनेटली आप रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे नीसर या स्कॉट बॉलर्ड में से कोई एक खेल सकता है। अब दोनों का रिकॉर्ड मैं दिखा देता हूँ। नीसर का रिकॉर्ड उतना बेटर नहीं है, 4 मैच खेले, 7 विकेट मिले, 7 में 56 रन। बट स्कॉट बॉलर्ड गाइस ये काफी अच्छा प्लेयर है, अगर आज के मैच में खेलता है तो आपकी ग्रैंड लीग के लिए एक डिफरेंशियल प्लेयर साबित हो सकता है, क्योंकि टेस्ट मैचेस में 13 मैच खेले, 28 विकेट निकाले, लास्ट 3 मैचों में 0-3-4। तो कहीं ना कहीं स्कॉट बॉलर्ड पे फोकस कर सकते हैं जितने भी भाई ग्रैंड लीग खेल रहे। तो यहाँ पे स्कॉट बॉलर्ड और कैमरॉन ग्रीन दोनों आपके लिए एक बहुत ही बेटर पिक प्लेयर है, जिनको आप डेफिनेटली रख सकते हैं। इंडिया की तरफ से देखिए यहाँ पे 2 ऑलराउंडर है, एक तो रविचंद्रन अश्विन और दूसरा रविंद्र जडेजा। अब देखिए अगर यही टेस्ट मैच अगर इंडिया में होता ना, या फिर एशिया में कहीं भी होता, तो मैं आपको बोल देता भाई रविंद्र जडेजा और अश्विन को रखना ही रखना है, और इनको कप्तान वाइस कप्तान भी बना देना, क्योंकि 20 विकेट गिरेंगे ना, 22 विकेट तो उसमें से लगभग मान के चलिए 60-70% विकेट ये दोनों ही ले जाते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि उतनी स्पिनर्स को मदद रहेगी या नहीं रहेगी, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखिए बाहर का पिच है। बट मेरे हिसाब से जडेजा और अश्विन का रोल इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग तो साथ में करेंगे ही करेंगे, और इनमें है गाई वो कला, ये विकेट निकाल के दे देंगे। तो यहाँ पे अश्विन की बात करूँ, देखिए टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड देखने की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्त है, 474 विकेट है। जडेजा की बात करूँ तो भाई ये तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो 30 मैच और 85 विकेट। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे दोनों के साथ जा सकते हैं, जडेजा प्लस अश्विन, इन दोनों को लेने के लिए भाई मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए तीन चीज समझना, देखिए फील्डिंग करेंगे वहां पे पॉइंट देंगे आपको, साथ में स्टंपिंग के कैचिंग के पॉइंट दे देंगे, और इसके अलावा ये यहाँ पे आप देखिए बैटिंग भी करेंगे और साथ में बॉलिंग भी करेंगे, तो मुझे लगता है ये पॉइंट देंगे ही देंगे। तो जडेजा अश्विन दोनों को रख सकते हैं, और यहाँ पे हो सकता है अगर टीम यहाँ पे पेसर्स को एक्स्ट्रा हेल्प रही तो हो सकता है शार्दुल ठाकुर के साथ जाए, या फिर उस केस में हो सकता है अश्विन ना भी खेले, बट चांस मुझे कम लग रहे हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन है, कुछ भी बन सकता है, टीम क्या चाहेगी वो टीम ही डिसाइड करेगी, बाकी अभी के लिए मेरे हिसाब से ये प्रिडिक्टेड है। बाकी देखिए शार्दुल ठाकुर अगर खेले ना तो डेफिनेटली रख लेना, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 ही मैच खेले, 7 विकेट निकाले, तो रिकॉर्ड अच्छा है शार्दुल ठाकुर का, आप फोकस करके चलिएगा आज के मैच में। और अक्षर पटेल भी खेल सकता है अगर मौका मिला तो। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखिए बॉलिंग में किसको पिक करें, यूएस की तरफ से तो अभी गाइस आप लोगों के लिए फ्री गिव अवे आएगा, फाइनल टीम आएगी, और एक स्पेशल चीज बताऊंगा वो भी ध्यान से देखना है, तो वीडियो अभी भी कहीं से भी स्किप मत करना, पर लाइक जरूर करना दिल से। पैट कमिंस की तरफ से देखिए इनका फास्ट बॉलर है और इस पिच पे बहुत ही डेंजरस रहेगा, 20 मैच खेले, 46 विकेट, और रिसेंट टेस्ट मैच फॉर्म देखिए 4 विकेट 2 विकेट, 33 रन और 1 विकेट, डेफिनेटली पिक करना है भाई, काफी इंपॉर्टेंट पिक है। नॉर्थन लियोन की बात करूं, इस वेन्यू पर 2 मैच खेले, केवल 1 ही विकेट मिला है, तो इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं है इस पिच पे। और फॉर्म आप देखिए 34 रन 3 विकेट 11 विकेट और 7 विकेट, और इंडिया के अगेंस्ट 47 मैच 116 विकेट। मिशेल स्टार की बात करूं भाई, इंडिया के अगेंस्ट 31 मैच 44 विकेट, लास्ट 2 मैचों में 2 विकेट, तो यहां पे मेरे हिसाब से 2 प्लेयर आपके लिए डेफिनेटली बढ़िया रहेंगे, मिशेल स्टार कॉट पैट कमिंस। बाकी आप लियोन को भी रख सकते हो, काफी अच्छा बॉलर है, इंडिया में जब आया था जब काफी अच्छी बॉलिंग करके गया था, तो रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कमिंस और स्टार्क दो मेरे हिसाब से इनके बेस्ट बॉलर है, और स्कॉट बॉलर पे जरूर फोकस करना ग्रैंड लीग की टीम में। इंडिया की तरफ से देखिए मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, इन दोनों का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मोहम्मद सिराज स्टार्टिंग ओवर्स में इनके ओपनर्स को जल्दी आउट कर सकता है, वार्नर ख्वाजा इनको डेफिनेटली, और बाकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 10 मैच खेले, 14 विकेट इसके नाम है, और शमी की बात करूं इसके 21 मैच खेले, 40 विकेट का रिकॉर्ड है, तो दोनों काफी अच्छी बॉलिंग कराएंगे। और उमेश यादव की देखिए आईपीएल में तो फॉर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो अगर मुझे लग रहा है हो सकता है टीम शार्दुल ठाकुर को खिला दे उमेश यादव को ब्लैश दे के, अब किसको खिलाएंगे डिपेंड करता है, बाकी शमी और सिराज ये दोनों मेरे हिसाब से आज के मैच के लिए बेस्ट बॉलर रहने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है आज के मैच की मैचअप कि भाई कौन सा प्लेयर कौन से बॉलर के अगेंस्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, अगर आप यहां पे देखो तो एलेक्स कैरी देखिए थोड़ा सा अश्विन के अगेंस्ट में स्ट्रगल करता है, 40 बॉलों में 5 बार आउट कर चुका है अश्विन यहां पे एलेक्स कैरी को, तो कहीं ना कहीं कैरी हो सकता है आज के मैच में भी जल्दी आउट हो जाए, बट डिपेंड करता है किस तरीके का पिच बिहेव करेगा, अगर स्पिनर्स को बिल्कुल ही हेल्प नहीं रही तो शायद कैरी अच्छा भी कर जाए, बट जनरली मुझे लग रहा है अश्विन परेशान करेगा। मार्नस लेबस चेंज को देखिए रविंद्र जडेजा 5 बार, अश्विन 3 बार, शमी 2 बार और सिराज 2 बार,
स्टीवन स्मिथ को भी, यहाँ पे अश्विन जडेजा, उमेश यादव। तो यहाँ पे आप जितने भी मैचअप देखोगे ना, यहाँ पे अश्विन जडेजा यही आपको ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि टेस्ट मैचेस में ज्यादातर विकेट इंडिया की तरफ से ये दोनों ही लेते हैं। इसके अलावा उस्मान ख्वाजा, वार्नर, ट्रेविस हेड, आप सबका रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं। कैमरॉन ग्रीन को भी यहाँ पे देखिए, सिराज और अश्विन परेशान कर रहे हैं। विराट कोहली को लियोन काफी परेशान कर रहा है। पैट कमिंस भी काफी ज्यादा परेशान करता हुआ दिख रहा है। तो ये सबके मैचअप है गाइज, आप जरूर फोकस करके चल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भाई ये सारे प्लेयर है जो बेंच पे बैठे हुए हैं, शायद इनमें से भी गाइज कोई भी प्लेयर आज के मैच में खेल सकता है। तो इसमें मुझे लग रहा है एक तो मिशेल मार्श के चांस है कि इसको मौका मिल जाए, काफी अच्छा रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट, बट विकेट ये की मिला है 10 मैचों में। हेजलवुड इंजर्ड है। यहाँ पे टॉड मुर्फी है, ये भी काफी अच्छा बॉलर है, आपने देखा होगा काफी अच्छी बॉलिंग कराया था इंडिया में आके, तो एक अच्छा स्पिनर है, ये भी खेल सकता है आज के मैच में। मार्कस हैरिस है, रैन शाह है, जॉश इंग्लिश है, तो इनमें से कोई भी आता है आपके सामने सबका रिकॉर्ड है। इंडिया की तरफ से सारे प्लेयर बेंच पे बैठे हुए हैं, इसमें से जायसवाल को मौका मिला है जिसने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से काफी अच्छी बैटिंग की थी इस आईपीएल में। अक्षर पटेल खेल सकता है, यहाँ पे उनाट कट है, मुकेश कुमार है, सूर्य कुमार यादव है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और इंडिया की तरफ से भाई इस वाले मैच में, अब देखिए गाइस यहाँ पे मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि आपको पावर प्ले में कौन कराएगा, डेथ में कौन कराएगा, क्योंकि देखिए टेस्ट मैच है, 5 दिन का चलता है, लगभग सभी को बॉलिंग मिलेगी, बॉलिंग के कोई सैनरियो यहाँ पे फिक्स होते नहीं है, कोई कितने भी ओवर डाल सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग ओवर्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंग्स और स्टार कराएंगे, जो चांस है इनके ओपनर्स को जल्दी आउट कर दे इंडिया के, और इंडिया की तरफ से सिराज और उमेश यादव और शमी ये स्टार्टिंग ओवर्स कराने वाले हैं। बाकी बॉलिंग मुझे लग रहा है आज के मैच में लगभग सभी को मिल जाएगी, तो बॉलर्स का रोल मैंने आपको आज के मैच में बता दिया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको बॉलिंग का सिलेक्शन ध्यान से करना है। अब गाइस आज के मैच के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या टीम बनाई है, तो INT वर्सेस AUS WTC फाइनल टेस्ट मैच की टीम क्या है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बट गाइज आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर मैं इस वाली टीम में कुछ भी चेंज करता हूँ तो फाइनल अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल शोर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल पे ही मिलेगा, और वहां पे कैसे ज्वाइन करना है इसी वीडियो के भाई डिस्क्रिप्शन में कमेंट में सबसे टॉप पे पिन किया हुआ लिंक है, बस उस लिंक पे आपको क्लिक करके टेलीग्राम पे आ जाना है, वहां पे आपको हर मैच का फ्री अपडेट मिलेगा, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कई प्लेयर ऐसे हैं जो शायद ना खेले, कई खेल जाए, कई को इंजरी हो जाए, तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए विकेट कीपर में मैंने अभी के लिए तो एलेक्स कैरी को रखा है, क्योंकि KS भरत और ईशान किशन में कौन आएगा वो फाइनली वो टॉस के बाद ही पता लगेगा, बाकी ईशान किशन के चांसेस ज्यादा है। बैटिंग में देखिए विराट कोहली और शुभमन गिल रखा है मैंने इंडिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीवन स्मिथ और मार्नस लैबस चेंज को रखा है, तो अभी मैंने उन प्लेयर्स को ज्यादा रखा है जिनकी टेक्निक्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है टेस्ट मैचेस के हिसाब से। ऑलराउंडर में देखिए अश्विन को रखा है, जडेजा को रखा है और कैमरॉन ग्रीन को रखा है, क्योंकि भाई ये बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे, इसलिए मैंने इन तीनों को रखा है। बॉलिंग सेक्शन में पैट कमिंस और मोहम्मद शमी को मैंने यहाँ पे रखा है। बाकी आप इस वाले मैच में जितने ज्यादा पेसर्स रखोगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे काफी हेल्प मिलती है, तो पेसर्स का रोल इंपॉर्टेंट होगा। आप और किस किस को रख सकते हो, देखिए चेतेश्वर पुजारा और उस्मान ख्वाजा, ये दोनों काफी अच्छे प्लेयर है, काफी क्लास प्लेयर है, खासतौर से चेतेश्वर पुजारा तो खेलता ही टेस्ट मैचेस है, तो पुजारा पे आप रख सकते हो। इंडिया की तरफ से आप मोहम्मद सिराज को लेके आ सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग ओवर्स में अच्छे विकेट ले सकता है। इसके अलावा स्कॉट बॉलॉन्ड मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है, अगर खेलता है तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है फास्ट बॉलिंग में, या फिर आप लियोन को भी लेके आ सकते हो। अब मैं फाइनली इनमें से किसको लेके आऊंगा भाई वो मैं टॉस के बाद ही बता पाऊंगा, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल शोर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल को ज्वाइन करके रखना, वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा। अब आज के मैच के लिए भाई कप्तान और वाइस कप्तान किसको बनाए, ये भी बड़ा कंफ्यूजन है। उससे पहले गाइस आज के मैच का फ्री गिव अवे का क्वेश्चन है कि INT वर्सेस AUS WTC फाइनल, INT वर्सेस AUS WTC फाइनल टेस्ट मैच में कौन सा प्लेयर है जो मैन ऑफ द मैच रहेगा, आपको उस प्लेयर का नाम बताना है जो आज के मैच में मैन ऑफ द मैच रह सकता है। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और आंसर देते समय 3 चीजों का ध्यान रखना है, वीडियो पे लाइक होना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, और टेलीग्राम शोर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल ज्वाइन होना चाहिए। कप्तान और वाइस कप्तान के लिए आज के मैच के लिए बढ़िया चॉइस की बात करूं तो स्टीवन स्मिथ है, विराट कोहली, शुभमन गिल है। अब देखिए फाइनली में किसको, अश्विन जडेजा भी है, बाकी फाइनली में किसको बनाऊंगा वो टॉस के बाद ही आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा।
तो गाइज INT वर्सेज AUS WTC फाइनल टेस्ट मैच डिटेल प्रीव्यू गाइज यहीं खत्म होता है, और आप लोगों ने इस वीडियो को इतना टाइम दिया, प्यार दिया, उसके लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो गाइज फुल इन्फॉर्मेटिव था, एजुकेशन पर्पज से था, और मैंने आपको बोला इस ऐप पे खेलो वहाँ खेलो, देखो खेलना नहीं खेलना वो आपका डिसीजन है, मैं कहीं भी फोर्स नहीं कर रहा, और इस ऐप पे थोड़ा सा वित्तीय जोखिम इंक्लूड है, कृपया अपनी रिस्क पर खेले संभल के खेले बट खेलना स्टार्ट। तो जाते जाते वीडियो पे लाइक कर जाना, चैनल सब्सक्राइब कर जाना, और ऐसे ही प्यार देते रहना। ठीक है भाइयों, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार।